नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे। मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लीजेंड्स लीग क्रिकेट से। एक खबर आई है, देखिए कल मैच था और लगातार बहुत ही रोमांचक मैच वहां खेले जा रहे हैं। और कल मुकाबला था, मैं आपको बता दूं, इंडिया महाराजा और एशियन लाइन के बीच में कल का मैच हुआ है। जो मैं आपको बता दूं, एशियन लाइन्स ने 193 रन से जीत लिया है। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करने एशियन लाइन्स मैदान में उतरे थे, जिन्होंने 193 रन की पारी खेली 4 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं उसके बाद मैं आपको बता दूं, इंडिया महाराजा मैदान में आई और सिर्फ 153 रन बनाकर ही सिमर गई। और कहीं ना कहीं एशियन लायंस के नाम कल का मैच रहा। और मैन ऑफ द मैच दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैन ऑफ द मैच असगर अफगान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे टीम इंडिया की। देखिए, लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई टीम इंडिया। ओडीआई सीरीज से भी हाथ गंवाना पड़ गया, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में जो ओडीआई सीरीज हाल ही में हुई है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया की जो अटकलें हैं, इंडिया की जो मुश्किलें हैं, वो खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि हाल ही में आपको बता दूं, आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के लिए फाइन लगा दिया है टीम इंडिया को। यानी कि 40% जो फीस है उस पर फाइन लगा दिया गया। और कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है जरूर टीम इंडिया के लिए, लेकिन आने वाले जो और टूर्नामेंट्स हैं उसमें देखना होगा कि टीम इंडिया अपने आप को किस तरह से तैयार करती है और मैदान में उतरती है। दोस्तों, आगे बढ़ूंगे, बात करूंगे, एक अच्छी खबर है। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की अगर मैं बात करूं तो स्मृति मंदाना के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, आईसीसी ने कल अपने सारे अवार्ड्स विनर हैं उन्हें अनाउंस करा था। उसमें से स्मृति मंदाना की मैं बात करूं तो उन्हें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। और वहीं अगर मैं मेंस की बात करूं तो पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान के गेंदबाज की मैं बात करूं तो शाहीन अफरीदी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। वहीं दोस्तों, देखिए, जो रूट की मैं बात करूं तो जो रूट को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। तो वहीं बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम प्लेयर्स थे जो आईसीसी ने रैंकिंग दी थी, जो अवार्ड से वो घोषित किए। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं आईपीएल की, देखिए आईपीएल से लगातार जो भी खबरें आ रही हैं आपके साथ हम लगातार शेयर कर रहे हैं। और लखनऊ टीम की मैं बात करूं, जो कि दो टीम्स जुड़ी हैं इस साल, लखनऊ और अहमदाबाद, लखनऊ टीम ने अपना नाम चुन लिया है। जी हाँ, लखनऊ टीम का नया नाम मैं आपको बता दूं, लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से अब ये टीम जानी जाएगी। और देखना होगा कि कौन कौन से और खिलाड़ी इस टीम में शामिल होते हैं। और आईपीएल से जुड़ी दोस्तों एक और खबर है। दरअसल देखिए, लगातार बीसीसीआई इस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श कर रही है कि कौन सा वेन्यू होना चाहिए आईपीएल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड ने एक सुझाव दिया है, एक प्रपोजल रखा है बीसीसीआई के सामने। उन्होंने कहा है कि आप साउथ अफ्रीका में आईपीएल करवाएं, क्योंकि तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक रीजन दिया है कि अगर आप यूएई में करवाने का सोच रहे हैं तो वहां से सस्ता आपको आपको साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। तो देखना होगा कि बीसीसीआई इस सुझाव को कैसे लेती है और आने वाले समय में आईपीएल कहाँ होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की। देखिए, लगातार हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल का कल मैच हुआ था, कल भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। और कल मैच था हैदराबाद एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल के बीच में। और लगातार हम यही सोच रहे थे कि ईस्ट बंगाल कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि हालांकि पूरे सीजन में एक ही जीत हासिल करी है, जो कि गोवा को हराया था। 2-1 का स्कोर था जो कि 19 जनवरी को खेला गया। और मैं स्कोर आपको बता दूं दोस्तों, देखिए हैदराबाद ने कल का मैच जीत लिया है। और स्कोर की तरफ एक नजर डालें तो 4-0 का स्कोर था। कहीं ना कहीं एक बार फिर से ईस्ट बंगाल की टीम अपने आप को साबित नहीं कर पाई और हैदराबाद ने कल का मैच अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम खबरें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम स्पोर्ट्स की जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस।